अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम आपको कुरान पाक की उस सूरत के बारे में बताएंगे जो कि गरीबों को अमीर बना देती है, हाजतमंदों की हाजत रवा है, हाजतों को पूरा कर देती है। ये सूरत ख़ानदान के अमन को बरकरार रखती है, घर वालों के दरमियान प्यार और मोहब्बत जैसे जज्बात को पैदा करती है। इस बाबरकत सूरत को पढ़ने वाला हमेशा कामयाब रहता है। नाज़रीन-ए-गिराम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आज हम आपको कुरान पाक की बहुत ही बाबरकत सूरत के बारे में बताने लगे हैं। ये कुरान पाक की वो सूरत है, जो भी इसको पढ़ता है फरिश्ते इसके घर को घेर लेते हैं। ये कुरान पाक की सबसे पुरसकून और आंखें रोशन करने वाली सूरतों में से एक सूरत है। ये सूरत इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। वो सूरत है जो कि गरीबों को अमीर, बीमारों को सेहतमंद और हाजतमंदों की हाजत को पूरा करती है। अगर इसको सुबह के वक्त पढ़ लिया जाए तो फरिश्ते दिन भर इसकी हिफाजत करते हैं, अगर रात को पढ़ें तो फरिश्ते सारी रात इसकी हिफाजत करेंगे। ये सूरत ख़ानदान के अमन को बरकरार रखने में और किसी भी किस्म के तनाज़ा को दूर रखने में मदद करती है। ये सूरत माल और मुलाजमत के लिए बहुत ही कीमती है। जाहिर है हर बंदा अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, तो इस सूरत को एक मरतबा लाजमी पढ़ा करें। ये कुरान पाक की वो सूरत है कि जिसकी तलावत जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाएंगे, सुबहानअल्लाह। तो ये सूरत सूरह रहमान है। अर्रहमान अल्लाह के खूबसूरत नामों में से एक नाम है, जिसका मतलब है रहम करने वाला। ये सूरत यानी सूरह रहमान को जो भी पढ़ता है उस पर रहम किया जाता है। जिस मकसद के लिए पढ़ता है वो मकसद पूरा हो जाता है, दुनिया और आखरत की सख्तियों से निजात मिलती है। रहमान अल्लाह पाक को बहुत बहुत लाडली सूरत है, बहुत प्यारी सूरत है। जो भी इस सूरत की तलावत करता है अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाते हैं। तो नाज़रीन, आप लोग भी सूरह रहमान को रोज़ाना सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद एक मरतबा पढ़ लिया करें, क्योंकि ये वो सूरत है जो कि बीमारियों से निजात देती है, मुश्किलात से निजात देती है, इंसान को गुरबत से निजात देती है, तंगियों से निजात देती है। ये वो सूरत है जो कि खुशहालियाँ लाती है, तंदुरुस्ती लाती है, जो कि जहनी सुकून का बायस बनती है। लिहाजा मेरे वो तमाम बहन भाई जो किसी भी मुश्किल में गिरफ़्तार हैं, किसी बीमारी में मुबतला हैं, चाहे जितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, जब आप अल्लाह पर तवक्कल रखते हुए, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए इस सूरत को पढ़ना शुरू कर देंगे तो कुदरती तौर पर आप अपने अंदर एक खुशी महसूस करेंगे, आप के अंदर से बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, आप अपने आप को हशाश और बशाश महसूस करेंगे। तो आप लोग इस सूरत को लाजमी पढ़ें। जो भी इस सूरत को पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर रहम फरमाता है, पूरी दुनिया उस पर मेहरबान हो जाती है, पूरी दुनिया उससे प्यार करती है, कायनात की हर चीज़ उससे प्यार करती है। इंशाल्लाह अल्लाह आपके तमाम कामों को आसान फरमा देंगे, अल्लाह आपको अपनी रहमत के साए में रखेंगे। नाज़रीन-ए-गिराम, आखिर में आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कि अल्लाह पाक के 99 बाबरकत नामों में से कोई एक नाम भी कमेंट बॉक्स में लाजमी तहरीर कर दें। जज़ाकअल्लाह खैर।